सरसों सोयाबीन समेत 3 लाख का सामान घर से चोरी, पुलिस नहीं सुन रही फरियाद, दंपति ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के विजोरा गांव से 8 दिन पहले एक दंपति के घर से सरसों सोयाबीन समेत 3 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। पीड़ित दंपति ने घटना की रिपोर्ट बैराड़ थाने पहुंचकर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। इससे परेशान दंपति ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आवेदन देकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज किए जाने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई है। जानकारी के अनुसार विजय सिंह पुत्र हरिचंद परिहार निवासी विजोरा थाना बैराड़ ने बताया कि 20 मार्च 2024 को उसके घर विजोरा में रखी उसकी 20 क्विंटल सरसों, 5 क्विंटल गेहूं एवं 5 क्विंटल सोयाबीन तथा गृहस्थी का सामान, बर्तन आदि को अज्ञात चोरी करके ले गए। मैं अपने घर बैराड़ में था। जब मैं दूसरे दिन अपने घर बैराड़ से विजोरा आया, तब मैंने देखा कि ट्रैक्टर के पहिए के निशान बने हुए हैं। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो उक्त पूरी फसल व अन्य गृहस्थी के सामान को चोरी करके ले गए। उपरोक्त संपूर्ण फसल व सामान की कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी और मेरे घर का ताला टूटा पड़ा मिला। मैंने गांव में पूछताछ की तो पता चला कि मेरे दोनों भाई ओम प्रकाश एवं दिलीप तथा गांव के ही अन्य लोगों के साथ मिलकर मेरी उक्त फसल व सामान की चोरी करके ले गए हैं। मैंने उक्त घटना की जानकारी देने थाना पर गया तो फिर काफी देर तक विठाले रखा तथा मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। पूछा है क्या समस्या लेकर आयो? समस्या मैडम जी है कि हमारे भाई और गुंडे बदमाश भाई फसल नहीं काटने दे रहे, फसल काट के हमें अंदर सरसों कमरे में रखे लगी। इसके बाद में गुंडे बदमाश लेके आए, मंडी में ले जा रहे, गाड़ी लेंगे तो वो हमको भरने नहीं दी। वही पिटाई के लिए मेरी घरवाली की पिटाई की मैडम, बेइज्जती की और धमकियाँ मिल रही है। क्यों कर रहे हैं आपके साथ ये सब ऐसा? बोले मैडम बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ में कि हमारे फसल दो, हमारे आगे जबरदस्ती कर रहे हैं। तो फसल क्या उनके हिस्से में भी आ रही थी? नहीं मैडम उनके हिस्से में नहीं आ रही, 5-5 साल कहते हैं, 5 साल भी कहते हैं, 5-5 साल। कितने की फसल होगी टोटल? 20 क्विंटल मतलब सरसों थी और 5 क्विंटल गेहूँ और 5 क्विंटल सोयाबीन और कुछ पीतल के बर्तन थे। थाने में 2-3 घंटा बैठा रह के बेटा बेटू का बोले वैसे ही ठीक है कार्रवाई करेंगे, जाओ। कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की सर। वैसे लगते कौन है आपकी? हमारे भाई लगते हैं। क्या क्या नाम है? एक का ओम प्रकाश है, एक का नाम दिलीप है। और उसके साथ में गुंडे बदमाश लेके आए। नाम है कैसा वे के विश्राम भी उन्हीं के पास घर पे रह रहे थे। और उनके घर से हमारे घर पे नहीं रहे सर, 15 दिन उन्हीं के घर पे रह रहे। वो बता रहे कि हमारे घर पे नहीं आने दे रहे हैं। हम क्या रुकेंगे मैडम? कितनी की फसल होगी टोटल पूरे सामने? टोटल मैडम कम 3 लाख की करीब होगी पूरे सामने। आप क्या चाहते हो? मतलब कार्रवाई हो, सख्त से कार्रवाई चाहते हैं। और हमको फसल 2-3 बार चक्कर लगा गए हो शायद आप यहां पर। उन लोगों से जान का खतरा है, कभी भी कोई घटना भी कर सकते हैं भाई साहब।